दोस्तों आज की रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा। चलिए सबसे पहले मसाला बनाते हैं, गैस जला लेते हैं। इसमें पहले डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आलूओं को ऐसे मोटा मोटा सा मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटे मोटे से रहने होने चाहिए। ये 4-5 आलू हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है। 2 हरी मिर्च काट लेंगे और हरा धनिया बारीक बारीक काट लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। थोड़े से साबुत धनिया, जो खड़ा धनिया होता है वो डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेंगे, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे क्योंकि आलू हैं। हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मटर ठीक है, आलू को भी डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च ये कुटी हुई है, ये घर में ही साबुत मिर्चों को कूट लेते हैं, बहुत बढ़िया, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। 1/4 चम्मच थोड़े ही डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच लेंगे। आमचूर, आमचूर की जगह पे अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आमचूर डालूंगी। चाट मसाला में ज़्यादा मसाले हो जाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा, ये 1/4 चम्मच से भी कम। सबको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे धनिया, हरा धनिया कटा हुआ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमारे ब्रेड पकौड़े के मसाला तैयार हो चुका है, ये ज़्यादा वक्त नहीं लगता। गैस को बंद कर देंगे। अब ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन घोल लेते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। दोस्तों आलू तो हमारे तैयार हो गए हैं, गैस जला लेते हैं, तेल रख देते हैं गरम होने को। जब तक धीरे धीरे हमारा तेल गरम होगा, हम बेसन तैयार कर लेते हैं। बेसन ले लेंगे, मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा धनिया ले लेंगे हरा। जब तक हमारा तेल गरम होगा, हम बेसन घोल लेंगे। मैं सरसों का तेल में बनाऊंगी, आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकते हो, दोनों में भी बनता है, लेकिन मैं ज़्यादातर सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, रिफाइंड बहुत कम करती हूँ। बेसन हमारा घुल चुका है, ये देखिए, इस तरह से रखना है। ब्रेड में आलू लगा लेते हैं, आलूओं को हमें इस तरह से रखना है।
ब्रेड को काटेंगे नहीं, हम पूरे ब्रेड में इसे बनाएंगे। ऐसे बहुत बढ़िया बनता है। आलू को अच्छे से लगा लेंगे, हाथ की मदद से भी सही कर लेंगे इसे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इस पे फिर पनीर रखेंगे, ऐसे पनीर को लगा देंगे। पनीर को इस तरह से लगा देंगे। इस पे चाहे तो आप मिर्च जो कुटी हुई है थोड़ा सा ऐसे आप छिड़क दो, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है पनीर में। या फिर आप चाहो तो सॉस भी डाल सकते हो, जैसे ये पेपर सॉस है, ये भी डाल सकते हो आप। चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये भी डाल सकते हो आप। चाहे आप ये टमाटर सॉस भी आप डाल सकते हो, आप कोई सा भी सॉस डाल सकते हो। ब्रेड को ऐसे रख देंगे, आप चाहो तो थोड़ा सा आलू भी इसके ऊपर रख सकते हो। बहुत बढ़िया बनता है, बहुत अच्छा से इस तरह से। क्यों आलू टेस्टी इतने होते हैं, इसमें आमचूर और मसाले सारी चीजें हैं, तो बहुत बढ़िया बनता है। इसको अच्छे से आप दबा दो तो बढ़िया से। तेल भी हमारा गरम हो गया है। अब इसको हम बेसन में घोल के डाल देंगे। कभी ऐसे बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। इसको पलट देंगे, दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। एक साइड से सिक चुका है, ये दूसरे साइड से भी हमारा सिक चुका है ब्रेड पकौड़ा। इसे निकाल लेंगे, बाकी के भी ब्रेड पकौड़े इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए सिक चुका है, इस तरह से सेकना है। अब इसे काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से काट लेना है। आप इसे टमाटर सॉस के साथ सर्व करें, ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए बहुत मज़े का लगता है। इसे 20 एक पूरे ब्रेड के साथ बना लिया जाता है, और इसे काट लो आप आधा आधा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।